हेलो दोस्तों, मैं चिराग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे और आने वाले एग्जाम की अच्छी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो इस स्टडी को बढ़ाने के लिए और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और समझाने के लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ, रिस्क एंड रिटर्न का पार्ट 4। अगर पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही पार्ट 4 की PDF का लिंक भी आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके से जितनी भी आपने बिजनेस फाइनेंस की वीडियोज़ देखी, हर वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कीजिए, आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं कौन से, जुलाई 18 का क्वेश्चन है, जो कि आपके इसके बाद से यानी इसी जुलाई 18 से आपका पैटर्न चेंज हो गया था और उसके बाद आपके 100 क्वेश्चन आने लग गए थे। वैसे पहले 2 पेपर आते थे, पेपर 2 और पेपर 3, लेकिन उसकी जगह पेपर 2 ही रह गया और 100 क्वेश्चन है। ये ट्रूमैन की सीरीज़ का 72 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको और कोई आंसर सीरीज है और कोई बुक है तो उससे रिलेटेड आप ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा। रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो कैन बी मिनिमाइज बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जब ये क्वेश्चन आया तो इसमें लोगों को लगा कि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन की वजह से रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो मिनिमाइज़ की जा सकती है। इसका मतलब अगर +1 रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कोरिलेशन है वो +1 से लेकर -1 तक होता है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होगा? -1। और एक अनकोरिलेटेड भी आता है जिसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं 0। और पार्शियली पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि +1 से रिलेटेड हम नीचे बोलते हैं, जैसे 0.80, 0.60, 0.40, 0.20। तो इस तरीके से जो आ रहा है वो पार्शियल पॉजिटिव हो गया। पार्शियली नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब आपको बताया कि जो मैं 0.80, 0.60 बोल रहा हूँ तो उसके आगे माइनस माइनस 0.80, माइनस 0.60 ये आ रहा है। पर आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे आपका क्या है, +1 से आप 0 और 0 से -1 करते जाओगे तो आपकी रिस्क जो होगी पोर्टफोलियो की वो मिनिमाइज होगी। अब वो कैसे होगी, वो लोग रटवा देते हैं आपको, क्योंकि आपको 15 क्वेश्चन ले लेते हैं सीरीज के, उसमें बोल देते हैं कि ऐसे होता है तो ये होगी जो मैंने बताया। लेकिन उसका रीजन क्या है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर एक फॉर्मूले का क्वेश्चन बन गया कभी तो कैसे बन सकता है इनसे रिलेटेड। तो यहाँ सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देखना पड़ेगा पोर्टफोलियो का, जो कि पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। पिछली वीडियो जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। एक्स का मतलब यहाँ पे वेट है, वेट का स्क्वायर है। ए मतलब आप यहाँ पे याद रखना, ये ए सिक्योरिटी है और बी सिक्योरिटी है, क्योंकि हम 2 सिक्योरिटी केस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वाला पार्ट मैंने बोला प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है और पास्ट ईयर के MCQs में भी आज तक नहीं आया। यह है वेट किसका, बी सिक्योरिटी का। इसके साथ जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है ए सिक्योरिटी का, तो उसके ऊपर स्क्वायर है, मतलब ये वेरियंस है क्या है ये, और ये भी क्या है आपका वेरियंस। तो ये ए का है और ये जो बी का है, यहाँ पे 2+ के बाद 2 × वेट ऑफ ए × वेट ऑफ बी, फिर × आर। आर का मतलब आपको मैंने बताया था कि कोरिलेशन है, जो कि किसके 2 सिक्योरिटी के बीच में है, ए और बी के बीच में है। फिर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, मतलब पहली सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन उसका इंटू, इनको मिला के ये पूरा पार्ट मिला के क्या बन जाता है, कोवेरियंस बन जाता है। आपको पता है, याद रखना कि ये पार्ट क्या है, कोवेरियंस, जो कि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप ये जो स्क्वायर रूट है यानी अंडर रूट हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वेरियंस निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये स्क्वायर आ रहा है, ये क्या बता रहा है कि वेरियंस निकल के आ चुका है। तो आप कैसे भी देख सकते हैं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो सही रहेगा एक तरीके से, क्योंकि आपका वो पार्ट क्या आएगा, रिस्कों को कम डिनोट करता जाएगा, जबकि वेरियंस में थोड़ा पार्ट आपको ज़्यादा दिखेगा। एक ही बात है वैसे तो। देखो बोला, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि कैसे आप अलग अलग सिक्योरिटीज़ खरीदते हो ताकि आप अपनी रिस्क को मिनिमाइज कर सको, तो इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ कोवेरियंस और कोरिलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क मोर क्लोजली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपने रिस्क पोर्टफोलियोज के साथ आपको कोवेरियंस और या कोरिलेशन समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे हैं। अब मैंने पार्शियली इसलिए नहीं देखा क्योंकि आप जैसे ये तीनों देखोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि पार्ट सिंपल है, और नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, नहीं तो हम 12-13 मिनट में वीडियो ख़त्म करना चाहते हैं। सिक्योरिटी रिटर्न्स आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, पहला केस। जब मैंने बताया कि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड होती है तो कोरिलेशन कोफिशेंट है, मतलब आर है, वो क्या रहेगा आपका +1। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी है जब भी वो मूव अप बढ़ेगी या कम होगी तो वो एक साथ होगी, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी, वो किस में रहती है, परफेक्टली नेगेटिव में। यहाँ पे क्या है, परफेक्टली पॉजिटिव। तो अब आप याद रखना कि यहाँ पे मैंने वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो का भी आपको फॉर्मूला बताया। अगर आर ए बी मतलब कोरिलेशन अगर 1 है, तो यहाँ पे हम एक बार इसको हटा देते हैं और वापस लेके आ जाते हैं। तो देखो ये आर ए बी अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो आपको पता है कि 2 × वेट ए वेट बी × 1, तो 1 का पार्ट वैसे ही इंटू होता है, तो वैसे क्या हो जाता है 2 ही हो जाएगा। सपोज करो 2 × 1 करोगे तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो यहाँ देखो इस फॉर्मूले में ये हट गया आर ए बी, क्योंकि वो क्या है, इज इक्वल टू +1 है। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जनरली ये ए सिक्योरिटी है, ये देखिए जो ए सिक्योरिटी है ये है स्मॉल ए, और जो ये बी सिक्योरिटी है ये है स्मॉल बी, और जो ये 2 दे रखा है, इसके बाद देखो आपको पता है कि जो ये एक्स ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ए,
और ये एक्स बी और स्टैंडर्ड डेविएशन बी, याद रखना। तो ये यही पार्ट है जो आपको दिख रहा है, तो आपको पता है कि ये 2ab है। तो अगर मैं फॉर्मूला आपको मैथमेटिकल इक्वेशन का पता है कि a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको ये दे रखा है, तो आप इसके थ्रू इसको लेके आ सकते हो। तो a क्या बताया मैंने, ये तो देखो यहाँ पे हम ये लेके आ गए, स्क्वायर नहीं लिया क्योंकि मैंने आपको बताया स्क्वायर नहीं लेना, प्लस b और ये होल स्क्वायर हो गया। तो एक तरीके से इसके थ्रू हमने a प्लस बी स्क्वायर कर दिया। अब देखो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद क्या रखना है, अगर परफेक्ट पॉजिटिव है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाता हूँ। तो देखो जैसे अगर आपको लग रहा है कि ये वाला पार्ट है, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आपका क्या रह गया, स्टैंडर्ड डेविएशन रह गया। तो देखो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है, अब आपका ये इसके थ्रू आंसर निकल के आ जाएगा। तो जब भी एग्जाम में कभी आ जाए और आपको सारी वैल्यू दे दे, वेट भी दे दे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दे, और बोल दे कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का निकाल के बताओ, तो सिंगल सिंगल सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होगा और सिंगल सिंगल सिक्योरिटी का प्रपोर्शन ऑफ फंड, वेट का मतलब क्या था कि कितना आपने प्रपोर्शन ऑफ फंड ए सिक्योरिटी में और कितना बी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है, ये मिला के आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो आ जाएगा, याद रखना, इस तरीके से आ सकता है। तो सिंपली अगर जब आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, मतलब प्लस वन की सिचुएशन आती है आर की, तो फॉर्मूला सिंपली एक तरीके से क्या होता है, जो कि आपका रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो की तरह था, मतलब वेट बन जाता है। तो इट इज़ सिंपली द वेटेड एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या था, वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, और यहाँ क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। लेकिन अगर आप क्या बोलोगे, पार्शियली पॉजिटिव बोलोगे, 0.60 या 0.80, उस केस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो बड़ा फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको यही देखना पड़ेगा, याद रखना जो मैंने आपको बताया, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप वो स्क्वायर रूट हटा दोगे, यानी स्क्वायर का पार्ट हटा दोगे और यहाँ स्क्वायर रूट लगा दोगे, याद रखना, ठीक है, तब तो आपको वही लेना है। तो इसके बाद देखो आपको बोल दिया कि एक एग्जांपल से भी मैं समझा देता हूँ पार्ट क्या है। टेकिंग द अबव फॉर्मूला वी शैल नाउ कैलकुलेट द पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज प्लस वन, और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो फटाफट पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ए दे रखा है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन बी दे रखा है 25, और ये एक्स ए है, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ए 40%, और ये कितना है 60%। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि 10 लाख है, 10 लाख में से 4 लाख, वो 6 लाख का बताया था वैसे तो, पर मान लो कि इसमें 4 लाख ए में और 6 लाख इसमें बी में, तो 4 लाख अपॉन 10 लाख करोगे तो 0.40 और 6 लाख अपॉन 10 लाख करोगे तो 0.60। एक तरीके से मान लो तो ये प्रपोर्शन है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो मैंने आपको बताया प्लस 1 है। तो सॉल्यूशन देखो, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकला, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया क्योंकि हमें पता है कि प्लस 1 के केस में लगेगा, और जैसे ही हमने ये अप्लाई करा और x की जगह वेट लगा दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन 40 और 25 अप्लाई करा तो हमारा 31 आया। अब आप देख सकते हैं कि जो 40 और 25 है इसके बीच में ही आपका आंसर आ रहा है, लेकिन आपको तो क्या करना है, जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रिस्क बताता है, तो इससे आपको कम रिस्क चाहिए। अगर आप ये वाली लोगे तो ये तो वैसे ही 40 है, इससे कम आप बोलो सर 31 आ रही है, लेकिन दूसरी सिक्योरिटी 25 है, तो फिर तो मैं क्या बोलूँगा, लोएस्ट रिस्क ये तो यही लूँगा ना, खरीदूंगा। पर मुझे तो क्या करना है, दोनों को कंबाइंड करना है पोर्टफोलियो में ताकि इससे कम आ सके। तो पॉजिटिव एक तरीके से कभी भी रिस्क को मिनिमाइज नहीं कर रहा, वो क्या बता रहा है, एवरेज, क्या बता रहा है, एवरेज। तो आप देख सकते हैं, दस इट कैन बी सीन दैट पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन विल लाई बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ टू इंडिविजुअल सिक्योरिटी। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सिक्योरिटी का था 40 और 25, इसके बीच में लाई कर रहा है, और क्या बोल रहा है कि जब भी आप ये जो प्रपोर्शन ऑफ फंड है 40 और 60% इसको चेंज करोगे, जैसे मैंने 75% और 25% कर दिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 36.25। एक बार आप निकाल के देख लेना कैलकुलेटर पे, तो पहले 31 था, अब 36.25, लेकिन आप देख सकते हैं वो किसके बीच में आ रहा है, 40 और 25। तो इट विल वेरी बिटवीन 40 एंड 25 एज द प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच सिक्योरिटी चेंजेस, याद रखना। तो इसका मतलब क्या है कि इससे रिस्क रिडक्शन नहीं हो रहा, रिस्क का क्या निकल रहा है, एवरेज निकल रहा है, बस क्या निकल रहा है, एवरेज। तो इस लाइन में क्या बोल रहा है कि आपको यह नोट करना है कि व्हेन सिक्योरिटी रिटर्न्स आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, डाइवर्सिफिकेशन विल प्रोवाइड ओनली रिस्क एवरेजिंग। तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिस्क मिनिमाइज नहीं हो पा रही, एंड नो रिस्क रिडक्शन बिकॉज द पोर्टफोलियो रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस बिलो द इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिस्क। तो वो 40 और जो 25 हमने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे कम नहीं हो पा रहा, उसके बीच में ही घूम रहा है। हैंस डाइवर्सिफिकेशन विल नॉट बी वेरी यूजफुल एक्टिविटी व्हेन सिक्योरिटीज रिटर्न आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अब देखो आपको फॉर्मूला है अगर परफेक्ट पॉजिटिव का पता, वैसे ही आपको परफेक्ट नेगेटिव का भी पता रहना चाहिए। एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, देखो यहाँ ले लिया मैंने। तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड के केस में क्या बता रहा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, -1। तो उस केस में अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 है तो जो सिक्योरिटी है वो मूव कहाँ करेगी, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में,
ऊपर बता रहा था कि मूव या डाउन होगी वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कोवेरियंस में पिछली वीडियो में, तो वेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो का आपको बताया कि ये फॉर्मूला है। अब अगर मैं इस आर ए बी की जगह माइनस वन लगा देता हूँ तो आपको बताया कि 2 × -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये आर ए बी हट गया और देखो नॉर्मल आ गया। अब आपको पता है कि जैसे मैंने ए प्लस बी स्क्वायर बताया था वैसे ए माइनस बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab, तो जहाँ पहले प्लस लग रहा था वो माइनस आ गया। और आपको पता है कि अगर आप क्या वेरियंस जो स्क्वायर ए स्क्वायर हटाओगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का निकल के आ जाएगा सेम, तो उस पहले वाले में प्लस था इस वाले में माइनस है, याद रखना। सेम जीरो में ऐसा नहीं होगा याद रखना, क्योंकि आगे मैं भी आपको बताऊंगा जीरो से रिलेटेड। और मैंने आपको बताया अगर प्लस 0.60 0.80 है यानी पार्शियल है पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव है माइनस 0.80 0.60, तो आपको यही पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाना पूरा पड़ेगा याद रखना, ठीक है। तो अब देखो अगर बोला कि हमने पिछला एग्जाम्पल ही ले लिया होता और माइनस वन मानी होती कोरिलेशन कोफिशिएंट माइनस वन, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला होता वो ये निकलता, तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि अगर वो परफेक्टली नेगेटिव है और आपको वेट दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज का दे रखा है तो आपको पोर्टफोलियो निकालना है। तो आप देखो जब भी आप इंटू करोगे तो ये देखो कितना आ रहा है 16 और ये आ रहा अपना 15, 16 में से 15 गए तो कितना आया 1, क्या आया 1। तो जहाँ पहले 31 थी रिस्क अब वो सीधा कहाँ पहुँच गई 1, और इसको जीरो भी किया जा सकता है अगर आप प्रोपोर्शन ऑफ सिक्योरिटी चेंज कर सकते हो। तो देखो प्रोपोर्शन ऑफ सिक्योरिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो 0.40 की जगह 0.3846 लेके देखना और 0.60 की जगह 0.6154 लेके देखना तो ये जीरो भी हो सकती है, पर रियल लाइफ में रेयर सिचुएशन होती है जो आप वन देख रहे हो। फिर भी आपको पता है कि देखो आपने क्या बताया कि देखो अभी 40 और 25 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अलग अलग सिक्योरिटी का उसके बीच में लाइन नहीं कर रही, उससे बिल्कुल कम हो गई, यानी एक तरीके से कितनी रिस्क है सिर्फ 1% ही रिस्क को डिनोट कर रही है, ठीक है अब इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो ये बोल रहा है कि दस इट कैन बी सीन दैट पोर्टफोलियो रिस्क हैज़ बिकम वेरी लो इन कंपेरिजन ऑफ रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी बाय चेंजिंग द वेट इट कैन बी रिड्यूस टू जीरो, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक 0.3846 लेना 0.40 की जगह और 0.60 की जगह 0.6154, मतलब प्रपोर्शन ऑफ फंड चेंज जैसे ही करोगे तो वो और कम हो सकती है। इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन फ्रूटफुल एक्टिविटी है किसके केस में, जब सिक्योरिटीज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड हो, जो उनके बीच में रिलेशन है या मूवमेंट है वो परफेक्टली नेगेटिव हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो पोर्टफोलियो रिस्क कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाएगी। और कभी कभी तो देखो मैंने बताया जीरो भी हो सकती है, जो कि मैंने आपको प्रोपोर्शन बता दिया, एलिमिनेट भी हो सकती है, समझ गए। तो आपको पता है कि मिनिमाइज इस केस में होगी, तो आपका एक ही केस में मिनिमाइज नहीं होगा, वो होगा परफेक्ट पॉजिटिव और बाकी सारे केस में मिनिमाइज होता है जो आप पढ़ते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मिनिमाइज किस में होती है, परफेक्ट नेगेटिव में, इसलिए अपना आंसर भी परफेक्ट नेगेटिव था। अब आप चाहे स्किप कर सकते हो वीडियो, आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। सिक्योरिटी रिटर्न्स आर अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट, मतलब जीरो, जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या हो, दो सिक्योरिटी के बीच में जीरो हो, तो फॉर्मूला क्या है आपको दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे जीरो लगा देता हूँ तो आपको पता है कि कोई भी वैल्यू इंटू करो, 2 × कोई सा भी वेट लो, सब कुछ लो, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा और आपका सिर्फ ये पार्ट बचेगा। जब ये पार्ट बचेगा तो जो स्क्वायर, इसको अगर आप हटाते हो तो यहाँ पे आपका वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तब जाके आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो देखो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब आप याद रखना कुछ भी नहीं है, वेट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो वेट का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या हो जाता है, वेरियंस हो जाता है, ठीक है, तो हम वेरियंस भी बोल सकते हैं। अब अगर आप जीरो के केस में फॉर्मूला लगाते तो देखो 0.40 तो आपका ये 0.60 है आपका वेट और 40 स्टैंडर्ड डेविएशन है और 25 स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके आगे स्क्वायर लगा दिया। आप जब इसको स्क्वायर करके इसको वैल्यू को इंटू करोगे और जो भी कैलकुलेशन लेके आओगे तो आपका ये पार्ट आएगा, 21.93 आया। तो आपने क्या देखा कि अगर प्लस वन है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो वो 31 है, अगर जीरो कोरिलेशन है तो देखो अभी क्या निकला, 21.93, और अभी हमने माइनस वन कोरिलेशन बोला तो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 1, तो देखो कितना डिक्रीज हो गया, जो रिस्क है वो कितनी कम हो गई, तो किसकी वजह से हुई, परफेक्टली नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप एक फॉर्मूले में 0.60 पुट करके देखना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो आप देखना कि 31 से और कम हो जाएगी और अराउंड 27.73 आएगी। और अगर आप जीरो के बाद और माइनस का 0.60 करके देखोगे, माइनस वन की बात नहीं कर रहा, 0.60, तो वो 13.89, तो इसका मतलब वो कम होते जा रही है, लेकिन जैसे ही वो माइनस वन हुई तो आपका जो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन है वन आया, मतलब रिस्क क्या हो गई, कम हो गई। तो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी इन द पोर्टफोलियो, देयरफॉर व्हेन सिक्योरिटी रिटर्न्स आर अनकोरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क
एंड इज़ ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो ये भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है क्योंकि इससे भी रिस्क रिड्यूस हो रही है, लेकिन सबसे बढ़िया कौन सी है, जब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगा, या ना जब क्या होगा परफेक्टली। तो इट कैन बी कंक्लूड दैट डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क इन ऑल केस एक्सेप्ट वेन द सिक्योरिटी रिटर्न आर परफेक्टली पॉजिटिव। तो पहला आपका ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, विद द डिक्लाइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम प्लस वन टू माइनस वन। मैंने बीच में 0.60 प्लस का और माइनस 0.60 भी बता दिया, आप चाहे करके देखना। तो आपका 31 के बाद 27 समथिंग आएगा, फिर 21 आ ही रहा है, उसके बाद 13.89 आएगा और ये 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो डिक्लाइन बट द रिस्क रिडक्शन इज ग्रेटर व्हेन द सिक्योरिटी रिटर्न्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। तो जब वो परफेक्टली नेगेटिव होंगे तो सबसे ज़्यादा रिस्क कम होगी। तो हमारा जो ऊपर का ऑप्शन हम देखते हैं तो इसमें कौन सा आंसर सही है, आप खुद ही बता सकते हैं। आंसर सही है अपना 2, कंबाइनिंग टू सिक्योरिटीज हैविंग परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन इन देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या पार्ट इसमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब वीडियो के थ्रू तो नहीं, वैसे आपको कमेंट के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कोई टॉपिक और लगता है कि मुझे कराना है तो आप बताइए, मैं बीच में भी आपको टॉपिक करवाता रहूंगा और साथ में ये टॉपिक भी जो बिजनेस फाइनेंस के वो चलाता रहूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगली वीडियो में आपका आएगा पास्चर के एमसीक्यूज इसी से रिलेटेड रिस्क एंड रिटर्न से, और अपना पूरा रिस्क एंड रिटर्न का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो 13-14 क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं पिछले ईयर के जो भी आए हैं वो ले लूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।